अब हम लोग फिजिक्स 1D का टेस्ट जो लेवल 1 का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इस लेवल 1 में 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 32 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं जिससे हमको ईस्ट वेस्ट फाइनलाइज करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ड्रा कर देते हैं, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो वो कर देते हैं, नामकरण कर दें। ईस्ट ये हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ओरिजिन इसको कहते हैं, ओरिजिन यहाँ से चलना शुरू किया। सबसे पहले पर्सन मूव नॉर्थ डायरेक्शन 30 मीटर, यहाँ से चला यहाँ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन चला। अच्छा, इसको आप एक्स एक्सिस कह दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर एक्स डैश कह दो यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कह दो और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कह दो वाई डैश, ठीक है। तो ओ से ए तक चला 30 मीटर, तो क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर, ओ ए कितना होगा? प्लस 30 जे कैप होगा। फिर ए से बी गया, बी गया 20 मीटर, यहां से चुना 20 मीटर। राइट साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ए भी कितना हो जाएगा? प्लस 20 आई कैप हो जाएगा। फिर बी से चला, यहां से चुना 20 मीटर ईस्ट गया, ईस्ट ही तो है, राइट साइड ईस्ट है, ठीक है, 20 मीटर। उसके बाद फाइनली 32 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होता है? साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में, ये 45, ये भी 45 होता है ना, ठीक है। ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट का, यहाँ से साउथ वेस्ट क्या होगा? यहाँ से साउथ वेस्ट मान लो, ठीक है, 32, इधर भी 45 और इधर भी 45 बनाएगा इधर, ठीक है, 45। तो अब बी से सी गया 32, ये डिस्टेंस है 32 मीटर, करेक्ट है। तो बी सी कितना हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, ये डिस्टेंस कहोगे तो कितना होगा? लेफ्ट साइड जा रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। तो बी सी क्या क्या होगा? बी सी होगा 30√2 कॉस 45 माइनस आई कैप प्लस 30√2 साइन 45 माइनस जे कैप, करेक्ट है। देख लो, सही लिखा मैंने। अब देखो इसको नेक्स्ट सिस्टम में करते हैं। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस को बाहर कर दो, माइनस 30√2 इंटू कॉस 45 का 1/√2 आई कैप, करेक्ट है, आई कैप। और ये कितना होगा? माइनस 30√2 इंटू 1/√2 इंटू जे कैप। रूट टू से रूट टू कटा, रूट टू से रूट टू कटा, बी सी की वैल्यू कितनी आएगी? बी सी इज इक्वल टू आएगा माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, सही है, देख लो एक बार, सही लिखा ना मैंने। अब बी सी की वैल्यू आ गई, ओ ए की वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट चला यहां से, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका सी आपका फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ए से ओ से सी का निकालना है, यही तो ओ सी होगा। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये तीनों को ऐड कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ओ ए की वैल्यू कितनी है? प्लस 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, तीनों को जोड़ो, 30 आई जे कैप 30 जे कैप, ये दोनों कट गया, ये कितना होगा? माइनस 10 आई कैप होगा। ओ सी 10 आई कैप का मतलब कितना होता है? आई कैप यानी
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव तो ईस्ट डायरेक्शन में, निगेटिव तो वेस्ट डायरेक्शन में, तो निगेटिव यानी वेस्ट डायरेक्शन में और कितना यूनिट 10, वेस्ट डायरेक्शन में 10 यूनिट, ये ऑप्शन सही है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।